चलिए सवाल करते हैं 26 नंबर का, और ये आज के टेस्ट में आपके पास आया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं वो देख लेते हैं ना। वैसे तो हमने खूब ऐसे सवाल किए हैं क्लास के अंदर, है ना। तो एक बार आप ऐसे सवाल आपसे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो दो संख्याएं दे रखी है और एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, ठीक है। तो दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है ना। अधिक है मतलब क्या, मान लीजिए वो संख्याएं क्या है, ए और बी है, ठीक है, और कोई तीसरी संख्या सी है, उससे कितनी अधिक है ना। तो हमको तो अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अधिक का मतलब क्या हुआ, 120%, है ना। यानी अधिक है मतलब सी तो है ही है ना, और उसका सी का कितना है, 120% है, ठीक है। और अनुपात क्या आ जाएगा, सी का कितना प्रतिशत है, 150%, ठीक है। तो ये सी तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, तो अनुपात क्या आ जाएगा हमारे पास, 12:15, ठीक है। तो ये 3 से कैंसिल होगा, तो अनुपात फाइनली हो जाएगा 4:5, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ही इजी होते हैं, इनमें 2 मिनट का समय आपको गंवा नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर मैं आपको कह रहा हूँ। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो आप परसेंटेज की क्लास देखिए, उसमें अच्छे से इन सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, और कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक लेवल से हमने समझा है, ठीक है। तो ये आप परसेंटेज की क्लास में जाके भी देख सकते हो। ओके, तो ये आपका सवाल नंबर हो गया 26 दोस्तों। थैंक यू।